शर्मा एडवोकेट। आज एसएसपी ऑफिस आए हैं तो एक हमारे संजय गंगवार बार के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जमीन 2 साल पहले खरीदी, रजिस्टर्ड बैनामा खरीदी और उसी समय उस पर बाउंड्री कर दी, लेकिन कथित भूमाफिया है, 2 बार उस पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं, 1 बार पहले भी मुकदमा लिखा गया। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनके? आरिफ है, पप्पू है और असलम है और भी 3-4 लोग हैं, तो उनका पुलिस में ज़्यादा ही आना जाना है। वो एक मिस्त्री भी है बुलेट का, तो सारे पुलिस वाले भी वहीं पर सही कराते हैं और जो कहता है वो पुलिस वाले करते हैं। इसी परसों की घटना है, शाम को लगभग 9 बजे गाँव वालों ने बताया कि वकील साहब आपके जो बाउंड्री है वो तोड़ रहे हैं कुछ लोग, तो हम सीधे थाने गए, इंस्पेक्टर क्राइम से बात की, उन्होंने हमारे साथ में चीता मोबाइल भेजे, तो जब वहाँ पे गए तो फायरिंग शुरू हो गई उधर से, तो चीता मोबाइल ने ही वहाँ पे फोर्स बुलवाया थाने से, पूरी गाड़ी आई तो कुछ लोग भाग गए, बाकी लोगों को पकड़ के लेकर के आए। थाने आए तो चौकी इंचार्ज ने पूरा पूछताछ की, हमारे वकील साहब से अभद्रता शुरू कर दी और कहा कि नहीं तुमने फायर चलाया है। कौन थाने का मामला है? थाना भेड़ी का मामला है, चौकी इंचार्ज संजीव कुमार यादव हैं, दबंगे ही है और भी आधा तारा तरह से वो काम करते हैं, लुगाई उगाई कर रहे हैं, लुटाई कर रहे हैं, वहाँ पे जितना क्राइम हो रहा है वो सब चीज़ें, तो ये मुखबरी भी कराते हैं और उन्हीं से फिर दबंगई में ज़मीन से कब्जा भी कराते हैं। तो साहब से मिले आप, तो क्या आश्वासन मिला आपको? साहब से मिले एसएसपी साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो भी सही होगा करेंगे, न्याय करेंगे बिल्कुल, और उनको दोषी हैं उनको जेल भेजेंगे। क्या मामला है? उनके विरुद्ध हम लोगों ने प्रार्थना की।